गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस द आंसर्स ऑफ रिवीजन थ्री. रिवीजन थ्री में मैंने आपको दिया था ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में मैंने आइडेंटिफाई द शेप्स एंड आइडेंटिफाई द लाइन, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और इसका रिवीजन भी कराया है. इससे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने इसे भी कर लिया होगा. बिकॉज एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे. चलिए अपना होमवर्क बाहर निकालिए और अपने आंसर्स को चेक करिए. ज्योमेट्री में मैंने पहला आपको वर्क दिया था आइडेंटिफाई द शेप. मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ की थी, उनके सामने में लिखा था उनके बारे में. आपको शेप आइडेंटिफाई करके जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसके जवाब आपको लिखने थे. ये शेप्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो देखते हैं पहली शेप कौन सी है. बड़ी लाइन, छोटी लाइन, फिर बड़ी, आमने सामने की लाइनें बराबर हैं. ये प्लेन शेप है. प्लेन शेप में ये कौन सी शेप है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कौन सी है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की स्पेलिंग बता दीजिए. आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल. साइड्स काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4. कितनी साइड्स हैं? 4. आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, एफ ओ यू आर, या नंबर भी दे सकते हैं, 4. कॉर्नर, 1 2 3 4. मैंने बताया था जितने साइड्स होते हैं उतने ही कॉर्नर होते हैं, तो एफ ओ यू आर, 4. एग्जांपल्स, इस शेप में आपके पास होता है ड्रॉ करने के लिए, जिससे आप लाइन ड्रॉ करते हो, जिसे आप ये शेप बनाते हो. सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिस इज स्केल. इसके अलावा आपके स्कूल का ग्रीन बोर्ड जिस पर मैम लिखती थी, या पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगल शेप. मैं बार बार बोल रही हूँ, बॉक्स, कॉपी, बुक, इरेजर, ये नहीं बोलना है, वो सॉलिड शेप के एग्जांपल्स हैं. मैं प्लेन शेप की बात कर रही हूँ. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पूरी तरह से राउंड नहीं है तो सर्कल नहीं है, क्या है? ओवल. ओवल की स्पेलिंग ओ वी ए एल. इसे ड्रॉ करने के लिए स्केल की ज़रूरत तो है नहीं. जब स्केल की ज़रूरत नहीं है तो साइड्स 0. जब साइड्स नहीं है तो कॉर्नर भी 0. एग्जांपल में एग, बलून, ब्रिंजल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओवल शेप. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लाइन. आपको मैंने लाइंस में स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन पढ़ाई है, और स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन के बारे में बताया. हॉरिजेंटल लाइन यानी ये स्लिपिंग लाइन जो होती है इसे हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं. जब ये सीधी हो जाती है तो इसे हम वर्टिकल यानी स्टैंडिंग लाइन कहते हैं. जब ये हल्का सा ऐसे टेढ़ी हो जाती है तो इसे हम स्लैंटिंग लाइन कहते हैं. कर्व लाइन जो कि टेढ़ी होती है, जिसे हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं स्केल से, यानी मेज़र नहीं करते हैं, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जिसमें आपको बताना है कि इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन कितनी है, और स्लैंटिंग लाइन कितनी है. फर्स्ट लेटर लिखा है मैंने एम, तो क्या एम में कोई हॉरिजेंटल लाइन है, यानी कोई ऐसी स्लिपिंग लाइन है? नहीं है. बट तो जब नहीं है तो हम यहाँ बोलेंगे 0, नो हॉरिजेंटल लाइन. वर्टिकल लाइन क्या है? स्टैंडिंग लाइन, ऐसी वाली लाइन है, तो यस, 2 स्टैंड वर्टिकल लाइन. स्लैंटिंग लाइन है क्या ऐसी वाली? यस, 2 है स्लैंटिंग लाइन, 2. बस आपको अपनी पेंसिल को ही करके देख लेना है. हॉरिजेंटल करना है तो ऐसे करके देख लीजिए, यानी स्लिपिंग. वर्टिकल करना है तो सीधा कर लीजिए, स्लैंटिंग करनी तो हल्का सा टेढ़ा कर लीजिए, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट है एच, क्या हॉरिजेंटल लाइन है ऐसी वाली? यस, ये है 1. क्या वर्टिकल लाइन है? यस, 2. क्या स्लेंटिंग लाइन है? नो, 0. नेक्स्ट एक्स, क्या हॉरिजेंटल लाइन है ऐसी वाली? नो, 0. क्या वर्टिकल लाइन है? नो, 0. क्या स्लेंटिंग लाइन है? यस. हो गया आंसर.
आपको इसी तरीके से एग्जामिनेशन में भी अगर पेपर में इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो इसी तरह से आपको जवाब देने हैं। इसके साथ नेक्स्ट रिवीजन भी आपको जाएगा। थैंक यू।